सूबे पंजाब दे विच लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति बेहद खराब है। आए दिन किते ना किते कतल दियां वारदातां, लुट्टां खोहां दियां जां लड़ाई झगड़े दियां जिहड़ियां खबरां ने उह सामने आउंदियां ही रहिंदियां ने। इस मामले नूं लै के हुण भाजपा आगूआं दे वल्लों जलंधर दे विखे पंजाब सरकार नूं बुरी तरहां दे नाल घेरिया गया अते पंजाब सरकार दा पुतला भी फूकिया गया। इस मौके ते भाजपा आगूआं ने कहा कि आए दिन सारे सूबे दे विचों किसे ना किसे शहर दे विचों कतल दियां वारदातां सामने आ रहियां ने अते वड्डे वड्डे जिहड़े रसूखदार बंदे सी उन्हां दा भी कतल हो चुका है, पर पंजाब सरकार हाले तक किसी नतीजे ते नहीं पहुँच सकी है अते ना ही कातलां नूं कोई सज़ा दित्ती जा रही है। इस मामले नूं लैके हुण पंजाब सरकार नूं इह वी गल आखी जा रही है कि जेकर तुहाडे कोल सरकार नहीं चलदी तां जिहड़ी भाजपा पार्टी है उह सरकार सांभण दे लई तैयार है। इह कुछ कहा जा रहा है भाजपा आगूआं दे वल्लों। अज भारतीय जनता पार्टी जलंधर शहरी वल्लों पंजाब सरकार दा पुतला दहन दा कार्यक्रम जिहड़ा उह कीता गया। जदों दी इह सरकार बणी है और जिहड़े लोक लुभावें वादे करके सरकार बनी सी, लोगों को पंजाब के लोगों को सीधे साधे लोगों को गुमराह करके उन्होंने पंजाब की सरकार बनाई है। तुसीं देखो कि ले सरकार बनी उन्ने दिन नहीं है, जिस तो ज़्यादा पंजाब वारदातां कतल हो चुकी है। व्यापारी अपने घर महसूस नहीं है, अगर लेट नाइट जाते तो लुटे जाते हैं, भैन घरों बाहर जाए तो उन्होंने स्नैचिंग होती है। तुसीं देखो गोलियां तो इदा चल दी जिदा दिवाली के पटाके चलते पे है और पंजाब दे विच जाना दा भार रेवड़ियां दे बराबर हो गया है। सो इन्हां सारे विषयां नूं लैके पूरे पंजाब भर दे विच पुतला दहन दा कार्यक्रम भारतीय जनता पार्टी ने डिस्ट्रिक्ट हैडक्वार्टर उत्ते कीता है। जलंधर दा इत्थे असीं कंपनी बाग दे विच कीता सी, उस तों पहले भी लगभग दो महीने पहले भी जदों लगभग 30-35 दिन 40 दिन सरकार में होए सीगे उदों भी असीं प्रदर्शन जिहड़ा है ओह डीसी कंपलैक्स दे बाहर कीता सीगा। असीं भगवंत मान सरकार नूं चेताना चाहुंदे हां कि जो गल्लां करके तुसी आए हो या तो पंजाब नूं सुशासन दिओ, अगर तुसी पंजाब नूं सुशासन नहीं दे सकते तो भारतीय जनता पार्टी तुहानूं तुहाडी पूरी टर्म भी पूरी नहीं आउण देगी और तुहानूं सत्ता तों बाहर कढ़न दा रस्ता भी लै के आएगी और लोगों नूं मजबूर करेगी कि उह सड़कां ते उतर के अपना जन्मदिन मनाउण। इह सारा विषय पंजाब सरकार दे जिहड़ा कुशासन चल रहा इस वेले मैं कहांगा उहदे विरोध च अज पुतला साड़िया गया। असीं सब जाणदे हां पंजाब दे जिहड़े हालात ने, आए दिन वारदातें हो रही हैं, आए दिन कतलोगारत हो रही है। असी सिद्धू मूसेवाला जी का कतल देखा, उस तो पहले कबड्डी प्लेयर का कतल देखा। परसों चौथ की गल है, एक काउंसलर ने एक व्यक्ति नू पुलिस के सामने गोली मारती और लुट्ट जी है, लुट्टा की वारदात रोज़ सुनने को मिल रही है। कभी बैंक लुट्टे जा रहे हैं, कभी बसा खड़े हो के पिस्तौल दे नाल जनता लुटिया जा रहा है। और यूपी दे विच जिस तरीके दी पहले हालात देखे गए सी, सुने गए सी कि फिरौती दी मांग की जाती थी, अज हालात ये ने कि बिजनेसमैन नूं टेलीफोन जा रहे हैं, पैसे मंगे जा रहे हैं और धमकी दी जा रही है कि जे तुसी पैसे नहीं दोगे तो जो हाल मूसेवाल का होया सी वो तुहाडा होएगा। आए दिन साढ़े सामने ये जिहड़ियां वारदातां है वधदियां नज़र आ रही हैं। ये वो सरकार है जिन्हें वादा किया कि आंदे ही नशियां ते रोक लाणगे, आंदे ही भ्रष्टाचार खत्म करेंगे, आंदे ही सुशासन दवांगे पंजाब, लेकिन हालात बिल्कुल उल्टे हो गए हैं। ये लगता सी सारे बुद्धिजीवियों या जो राजनीति रहने वाले लोग समझते सी कि इन्हों का कोई एक्सपीरियंस सरकार चलाता नहीं है और बुरी तरह फेल हो गए, लेकिन इस बुरी तरह और इन्नी जल्दी फेल हो गए यदा अंदाजा किसी को नहीं सी। पूरी तरह सरकार फेल है। अज असी ये विरोध पूरे पंजाब हर जिले के भारतीय जनता पार्टी पुतला साड़ रही है सरकार का और विरोध कर रही है कि जो हालात इस वेले बन गए हैं, बॉर्डर सरकार बॉर्डर राज होने के नाते भी एक गंभीर स्थिति असं पहुँच गए हैं। यदा जरूर देखना चाहिए कि रिमोट कंट्रोल नाल प्रदेश का मुख्यमंत्री जिहड़ा सरकार चला रहा है। सो असी यदा विरोध करते हैं और विरोध करते हैं जिहड़ियां उन्हां दियां नीतियां चल रही हैं, चाहे उन्होंने शराब नीति की गल की है या एजुकेशन की कर रहे हैं, नवी जिहड़ियां नीतियां बना रहे हैं, इन्हें सब कुछ उन्हां दा पखंड जिहड़ा है, उन्हां जिहड़ा बहरूपियापन है वो सारी जनता च नज़र आ गया है। और मेरा यह मानना है कि यह सरकार बहुत देर चलने वाली नहीं है, बहुत बुरी तरह फेल है और असं विरोध करांगे हर जगह।